अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे प्यारे लवलीज फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और इसके साथ ही हमारे दिन की शुरुआत हो गई है। दिन तो काफ़ी पहले शुरू हो चुका था, बच्चों ने नाश्ता भी कर लिया है। आजकल रमज़ान है तो बच्चे नाश्ते में फैनी वगैरह ले लेते हैं, वो खा लेते हैं। तो अब मैं मॉप कर रही थी तो इनके मॉपिंग का मैंने, चलो इसे शुरुआत करते हैं सफाई से। तो बस वैसे तो दिन भर ही सब चलता रहता है क्योंकि बच्चे दिन भर गंदा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ गिराना करना। तो बस, और आप बताइए कैसे चल रही है आपकी। व्लॉग लेट डाला, थोड़ा बिज़ी चल रही थी मैं, मेरे सब फ्रेंड्स मैसेज कर रहे थे मुझे और सब पूछ रहे थे। तो बस मैं आपके सामने हाजिर हूँ और अब मैं बना रही हूँ जोहान के लिए दलिया। तो मैंने सोचा इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। हालांकि बहुत नखरों से खाते हैं लेकिन फिर भी खिलाना तो ज़रूरी है। तो ये मैं दलिया और दाल में थोड़ी सी ज़्यादा ले लेती हूँ दलिया से, और दोनों को मिक्स करके और इसको मैं वॉश करके कई बार भिगो देती हूँ ताकि ये अच्छे से गल जाए, जल्दी से पक जाए। और कई बार मैं इसको डायरेक्टली बना लेती हूँ जैसा भी होता है। ये हमारा होममेड घी है, कभी इसकी भी आपको साथ रेसिपी शेयर करूँगी कि मैं कैसे किस तरीके से बनाती हूँ घर में। और बस मैं इसके अंदर घी डालूँगी, थोड़ा सा पिसा हुआ ज़ीरा, मैं ज़ीरा अलग से इनके लिए भून के पीस के रखती हूँ जोहान के लिए। तो साथ ही मेरा मिल्क भी बॉयल हो रहा है। और बस इसमें ज़ीरा डालूँगी मैं और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर उसके अंदर दलिया डाल दूंगी मैं जब थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन सा हो जाएगा, गोल्डन सा। इसमें दलिया मिलाऊंगी, दोनों चीज़ें दाल और दलिया, और थोड़ी सी हल्दी और नमक ऐड करके पानी डाल के बस मैं इसको बंद कर दूंगी प्रेशर कुकर को। और बस, और ये मैंने फ्रोज़न किया हुआ कीमा निकाला है कोफ्ते बनाने के लिए। आज आपके साथ मैं अपनी कोफ्तों की रेसिपी शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से कोफ्ते बनाती हूँ। और ये देखिए दलिया हमारा रेडी है, बस अब जोहान को खिलाना बनाने से ज़्यादा टफ है कि वो किस तरीके से खाएंगे। उनको बिल्कुल खिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत नखरों से खाते हैं। वैसे हमारे चारों बच्चे बहुत नखरों से खाते हैं, पता नहीं लोगों के बच्चे होते हैं माशाल्लाह खा लेते हैं, लेकिन ये लोग थोड़ा सा नखरे वाले बच्चे हैं तो इसलिए मैं इनकी खिलाते हुए की वीडियो शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो ये हमारे घर में बाहर पौधे ना लग रहा है तो मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ। मैं इसको गई थी, मुझे थोड़ा फ्रेश पुदीना चाहिए था, मैं इनके फ्रेश डालूँगी, दिल हो रहा था मेरा। तो ये मैंने इसकी बना ली थी वीडियो, तो उसके पत्ते वगैरह तोड़ के लाई हूँ। अब मैं उसको वॉश कर रही हूँ और बस अब मैं कोफ्तों की तैयारी करूँगी। तो आप लोग ये बताइए आपकी समर वेकेशन कैसे चल रही हैं, कहीं घूमने जाएँ आप तो बताइए, हमें कमेंट्स में शेयर करिए आप कैसे चल रहे हैं, क्या हो रहा है। और ये लोएज़ा का ड्रेस, काफ़ी ड्रेसेस कटे रखे हैं सिलने के लिए, मैं सिलाई भी कर लेती हूँ खुद की। तो ये उनका ड्रेस उनकी ज़िद पे सीने बैठी थी, थोड़ा बहुत वक्त था, रमज़ान में इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल कुछ भी करने का। तो बस जब जैसा टाइम मिलता है थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। तो ये उनका ड्रेस, हालांकि ये अभी भी इनकम्प्लीट है, कम्प्लीट नहीं हुआ, इसको करना है इंशाल्लाह। अब देखिए जब जैसा टाइम मिल जाएगा फिर इसको करते हैं। और बस रमज़ानों में तो इस तरीके से वक्त जल्दी जल्दी गुजर जाता है। आजकल तो गर्मी भी काफ़ी तेज़ हो रही है। और बस इसी के साथ मैं अब बस शाम की तैयारी में लगेंगे अफ्तार की। मैंने आपके साथ इस बार शेयर नहीं किया है कि मैंने किस तरीके से अफ्तार बनाया है, और ये अफ्तार के बाद मैंने रात में खाना जब बना रही थी मैं कोफ्तों की, उस टाइम पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो ये जो चने होते हैं काले रोस्टेड, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है मिक्सर में, और सबके अलग अलग तरीके होते हैं बनाने के। कुछ लोग इसमें खशखश, खोपरा ये भी डालते हैं, लेकिन मैं अभी सादे वाले बना रही हूँ। इंशाल्लाह वो वाले कभी बनाऊँगी तो फिर उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। और बस ये इसको मैंने पीस लिया है। प्याज पीसूँगी, आप लोग किस तरीके से बनाते हैं, आप लोग कैसे लगेगी बताइएगा ज़रूर। और आपको पसंद आ रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बताइए कमेंट्स करके कैसे लग रहे हैं आपको।
इससे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। तो आप लोग प्लीज़ बताया करिए कमेंट्स करके, बहुत खुशी होती है मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के। और ये मैंने प्याज ली है और 6 डली मसाले के लिए, और ये एक जो है कोफ्तों में डालने के लिए। और ये मैं अपने चॉपर के साथ इसको कट कर रही हूँ, चॉप कर रही हूँ ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए। बहुत यूज़फुल है, कभी इसका भी रिव्यू मैं आपको दूँगी, बहुत आसानी से काम हो जाता है। ये देखिए इतनी प्यारी क्यूब्स में ये वाली कट जाती है, प्याज बहुत अच्छी लगती है। और ये मैंने ऑयल में गर्म मसाला डाल दिया है, और साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज जो मैंने ग्राइंड की हुई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। लेंथी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा वीडियोस, मैं चाहती हूँ कम से कम शॉर्ट से शॉर्ट में वीडियो बनाऊँ, आपके साथ में शेयर करूँ रूटीन, अपना काम, और साथ में आपसे बातें भी करूँ, आपसे बातें करूँ कि किस तरीके से मैं क्या करती हूँ। कुछ आप अपना बताइए किस तरीके से आप लोग करते हैं कमेंट्स के थ्रू। और ये मैंने हल्दी और मिर्च इसमें ऐड कर दी है, 1/2 टेबल स्पून के करीब हल्दी है और 1 टेबल स्पून के करीब मिर्च है, क्योंकि हम कोफ्तों में भी डालते हैं मिर्च, तो इसमें मिर्च अक्सर ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए मिर्च कम ही लेना चाहिए। ये 2 टेबल स्पून के करीब हमने लिया है धनिया, और ये 1 टेबल स्पून के करीब नमक लिया हुआ है मैंने। और बस इसको मिक्स कर देंगे। ये सब जो खाने होते हैं कबाब कोफ्ते, इन सब में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है इनको, मतलब ये वैसे बना ही नहीं सकते आप उनको कि आप छोड़ो के बस जल्दी से बना लेने, इनको पीसना है, ग्राइंड करना है, मिक्स करना है, बहुत सारे काम होते हैं। तो और ये मसाले भी खूब अच्छा भुनना चाहिए, खूब अच्छे उसमें खुशबू आना चाहिए, अच्छा कलर आना चाहिए उसके अंदर, तभी मज़ा आता है उसको बनाने का खाने का। और आप लोग बताइए आप लोग कैसे बनाते हैं, आपको पसंद आया मेरा रेसिपी, अगर आप बनाएं तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा मुझे। और ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है चनों को, और ये कीमा जो था इसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है घर में ही। और इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक ये इसमें मैं ऐड करूँगी। अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ लोग गरम मसाला मिर्च कम खाना पसंद करते हैं, लाइट पसंद करते हैं, कुछ स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, हम मीडियम बनाते हैं इसलिए कि बच्चे कम खाते हैं स्पाइसी, फिर अम्मी और पापा को भी पसंद नहीं है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए मैं मीडियम बनाती हूँ ताकि सब अच्छे से खा सकें। और ये एक प्याज लिया है, पुदीना और हरी मिर्च, हरा धनिया भी डाल सकते हो आप लोग, लेकिन मुझे सिर्फ पुदीने का फ्लेवर अच्छा लगता है तो मैं बस यही डालती हूँ। और हरा धनिया को हम बाद में गार्निशिंग के लिए एज ए यूज़ कर लेते हैं। और बस इसको आप अच्छे से खूब मिक्स करिए, खूब अच्छा बारीक ग्राइंड होना चाहिए, और खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए, और फिर उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो चॉप की हुई हैं हमने इनको हम ऐड कर देंगे। और खूब अच्छे से इनके हम गोल गोल लड्डू जैसे कोफ्ते बना लेंगे, तैयार कर लेंगे। इसके अंदर भी भर के बना सकते हो आप, कोफ्तों के अंदर भी भर के बनाए जाते हैं, हमारे पापा को बहुत पसंद थे इसमें के कबाब कोफ्ते। इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी कभी इंशाल्लाह लाइफ में बनाऊंगी तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी, लेकिन वो थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, अच्छे लगते हैं वो भी, लेकिन ये थोड़ा ईजी मत था, अभी रमज़ान का वक्त चल रहा है, टाइम नहीं होता है बिल्कुल, बहुत शॉर्ट टाइम है आपके पास, अफ्तार के बाद भी बहुत सी चीज़ें होती हैं करने की, तो अफ्तार से पहले आजकल मेरी हिम्मत नहीं होती है, तो मैं अफ्तार के बाद करने लगती हूँ ये सब काम, खाना सालन वगैरह जो भी बनाने का। हालांकि शुरुआत दोपहर से हो जाती है मेरे कामों की, और चलता रहता है फिर धीरे धीरे तक। और ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है, और हमारे कोफ्ते भी सब रेडी हैं बन के। मसाला जैसे ही भुन जाएगा अच्छे से, फिर हम इनके अंदर इन कोफ्तों को ऐड कर देंगे। ये छींटे बहुत उड़ते हैं तो मैं बराबर उसको हाथ के साथ ही साथ करती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ, कि ये बहुत ज़्यादा गंदा सा लगता है, बुरा लगता है। और बस इसके साथ ही मेरे दूसरे और काम भी चलते रहते हैं, वो बाकी के मैंने अभी शेयर नहीं किए हैं क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है रिकॉर्डिंग करना आजकल रोज़ों की वजह से, अभी लॉयज़ा भी थोड़ी सी हेल्प नहीं करा रही हैं, तो अकेले ही सब कर रही हूँ मैं मैनेज किसी तरीके से।
आप लोगों के लिए। बस आप लोग पसंद करिए, पसंद आए तो कमेंट्स करके बताया करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आज आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब की पॉलिसी है, बोलना ज़रूरी है चैनल है आफ्टर ऑल, सब्सक्राइबर तो होना ही चाहिए। तो ये देखिए हमारा सालन रेडी है कोफ्तों का, कितना बेहतरीन ब्राउन मेहरून सा कलर, खूबसूरत सा। और बस अब हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे, और इसी के साथ में ये सालन हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। इसको थोड़ा सा प्रेशर कुकर, आप इसको ओपन में भी बना सकते हैं, बस उसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, तो मैं तो प्रेशर कुकर में ही इसको अक्सर बनाती हूँ। और बस ये 10 मिनट में रेडी भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए 10 मिनट ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो हमारे कोफ्ते यम्मी से, वाओ कितना सारा थोड़ा सा लाइट का इशू हो रहा है, क्योंकि हमारी लाइट ऊपर लगी हुई है, तो उसमें थोड़ा सा शेड आ जाता है कई बार कैमरे का, तो अंधेरा हो जाता है मूवी बनाते वक्त, वीडियो जब हम शूट करते हैं। ये गार्निशिंग के लिए हम पुदीना डालेंगे, और आप इसमें हरी मिर्च वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, वैसे मैंने उसमें डाली हुई है कोफ्तों में, तो इसलिए मैं अलग से एक्स्ट्रा में नहीं डाल रही हूँ, मिर्ची तेज़ हो जाती है। और ये देखिए हमारे यम्मी से कोफ्ते तैयार हैं, बहुत प्यारे, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छे लगे खाने में, बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया इनको, क्योंकि बहुत दिनों के बाद बनाए थे हमने। आप लोग बनाएं तो प्लीज़ शेयर करिए, कैसा लगा आपको रेसिपी, अच्छी लगी, पसंद आई, और कैसे बने आपके कोफ्ते कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए। देख के मुंडे पर्दे होके।